भगवान गणेश का पसंदीदा भोजन कौन सा है दोस्तों? आप लोग गणेश चतुर्थी को 10 दिनों तक क्यों मनाते हैं दोस्तों? आप समझ रहे हो, गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों? गणेश जी को जब उनका पहले स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हो मैं आज फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ में। तो आज मैं आपको बताऊँगा गणेश जी की विसर्जन क्यों करते हैं। आप समझ सकते हो अभी गणेश जी के दिन आ चल रहे हैं और कब गणेश जी का विसर्जन होगा, कैसे करते हैं, कैसे होगा, वो सारी चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो जो भी गणेश जी को पसंद करते हैं दोस्तों, वो सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि मैं आज आपको इसके गणेश जी के बारे में सारी चीज़ नॉलेज दूंगा। गणेश जी का विसर्जन क्यों करते हैं और किस कारण से ये त्यौहार मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ है, वो सारी चीज़ मैं आज आपको नॉलेज दूंगा। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो इस तरीके से गणेश जी का विसर्जन करते हैं। देखो कितने अच्छे से क्यूट से गणेश जी लग रहे हैं दोस्तों। जो जो गणेश जी को पसंद करें वो जरूर वीडियो को लाइक करें यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो जब ब्यास जी कथा करते थे, तो एक दिन क्या हुआ कि जब ब्यास जी ने 10 दिन की कथा ख़त्म करने के बाद आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का तापमान काफ़ी बढ़ गया था। फिर ब्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबो दिया। तभी से परंपरा गई कि 10वें दिन गणेश जी को ठंडा करने के लिए जल में विसर्जन किया था। समझ सकते हो दोस्तों क्या हुआ कि जब ब्यास जी जब अपनी कथा को ख़त्म करेंगे आंखें खोली, उन्होंने तो देखा कि गणेश जी बहुत तापमान में बहुत गर्म हो चुके थे, तो इसीलिए उन्होंने पानी में डुबोकर उनके शरीर को ठंडा करने के लिए ये किया था। तभी से ये हमारी ये परंपरा चालू हो गई है। तो आगे देख सकते हैं गणेश जी का विसर्जन का अर्थ क्या है, इस विसर्जन का अर्थ क्या है दोस्तों? तो समझ सकते हो गणेश जी का विसर्जन यह दिखाता है गणेश जी मिट्टी से जन्मे थे। गणेश जी का जन्म मिट्टी से जन्म हुआ था और बाद में इसी सर्व को मिट्टी में ही मिलना है। तो आप समझ सकते हो इसी का जी गणेश जी विसर्जन का अर्थ ये है कि जब गणेश जी का जन्म भी मिट्टी से हुआ था और उनको मिट्टी में ही बहा दिया था, इसीलिए गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनती है और पूजा के बाद वो मिट्टी में मिल जाती है। विसर्जन से ये दिखता है कि मनुष्य को अगला जन्म पाने के लिए इस जन्म को त्यागना पड़ेगा। समझ सकते हो कितने प्यारे गणेश जी हैं ये, जमुना में बहाए जा रहे हैं, मतलब विसर्जन किया जा रहा है इनका। चलिए ये गणेश चतुर्थी को 10 दिनों तक क्यों मनाते हैं दोस्तों? आप समझ रहे हो गणेश जी के त्यौहार को 10 दिन क्यों मनाते हैं? विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के माहौल रूप में भी माना जाता है। भक्त भगवान गणेश जी के जन्म के उपलक्ष्य में 10 दिन बिताते हैं। गणेश जी के उपलक्ष्य में जब जन्म के उपलक्ष्य में 10 दिन मनाते हैं, इनका जन्म हुआ था इसीलिए इनके 10 दिन मनाया था। विनायक चतुर्थी गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो देख सकते हो ये फूलों का कितना प्यारे लग रहे गणेश जी। तो सभी वीडियो को लाइक कर दें यार। गणेश जी को जो जो पसंद करते हैं, जो जो पास रखा हुआ पूजा करते हैं अभी, जिन्होंने भी गणेश जी का त्यौहार बना रहे हैं, वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। सभी को अच्छी दुआ मिलेगी दोस्तों, सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें गणेश जी। तो चलिए ये भगवान गणेश का पसंदीदा भोजन कौन सा है दोस्तों? आप लोग पूजा कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत पसंद है। गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है। आपने देखा होगा जब भी वीडियो वगैरह फोटो में गणेश जी लड्डू को ही ज़्यादा खाना पसंद करें, इसीलिए घर पर रहने के दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार के मोदक लड्डू चढ़ाने का सुझाव दिया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार भक्त व्रत रखने पर, अगर जो भी लोग गणेश जी का व्रत रखे हुए हैं, वो हर सुबह बप्पा की पूजा और आरती से पहले उनके प्रस्थान तक नमकीन व्यंजन खाने से बचना चाहिए। उनकी आरती पूजा से पहले दोस्तों नमकीन वगैरह कोई भी खाना पीना नहीं, ऐसा बचें उस तरीके से, क्योंकि गणेश जी को लड्डू पसंद है तो वो नमकीन वगैरह नहीं पसंद करते हैं। चलिए गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों? गणेश जी को जब उनका उत्सव बनना है तो उनको क्या नहीं चढ़ाना चाहिए उनके पूजा में? तो गणेश जी को चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। जो भी चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं वो नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपवास कर दिया था तो उन्होंने नाराज़ होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि उसका सौंदर्य खत्म हो जाएगा।
इसीलिए अगर आप भगवान गणेश जी की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। समझ सकते हो, चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी सौदा या सफ़ेद सौदा नहीं आपको चढ़ाइए गणेश जी को, वरना आपसे गणेश जी नाराज होंगे, आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं रहेगा। तो देख सकते हो जो भी यार दोस्तों गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, मानते हो गणेश जी को, भी आपके दुआ हो सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे नॉलेज पाने के लिए। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों।